NTAUGCNET Yan in ImageNet. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से. India's number one study app, NTAUGCNET, yani NimiziNet, for study notes or videos, old paper with answer key, online mock test for paper first and second, new updated syllabus for paper first and second, download it on Google Play Store. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NimiziNet पर. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में मेथड ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर हम टीचर सेंटर मेथड और लर्नर सेंटर मेथड के बारे में बात करेंगे. इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, तो ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना. तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक क्वेश्चन से करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आज तक 4 से 5 बार आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, तो ये हमें बताना है. ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार हम जानेंगे कि इनमें से कौन सी विधि है वो सबसे अच्छी विधि है. ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कि शिक्षक केंद्रित जो टीचिंग है वो किस तरीके से होती है. इसमें देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में मुख्य रूप से निम्न शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है. सबसे पहले है व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर देना. ये जो विधि है दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी विधि है, काफ़ी सालों से चलते ही आ रही है और आज भी हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और फिर प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन, समूह शिक्षण, समीक्षा विधि और प्रश्नोत्तरी. अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. देखिए, व्याख्यान विधि, ज्ञानात्मक में भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्याख्यान विधि प्रयुक्त की जाती है. ठीक है, और जेम्स एम ली के अनुसार व्याख्यान एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किसी विशिष्ट प्रकरण अथवा समस्या पर सावधानीपूर्वक योजना अनुसार तैयार किया गया विवरणात्मक भाषण प्रस्तुत करता है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों, एक जैसे टीचर होता है क्लास के अंदर लेक्चर देता है, पढ़ाता है और भाषण देता है, वो क्या है कि पूरा प्रिपेयर होके आता है. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याख्यान विधि कहते हैं. और इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है, विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होता है. इसके अंदर क्या होता है कि जो विद्यार्थी जो होता है स्टूडेंट, वो आसानी से सुनता है आराम से बैठ के, और लेकिन जो टीचर है वो काफ़ी एक्टिव रहता है इसके अंदर. और अब देखते हैं इसके अंदर और क्या होता है. ये देखिए, व्याख्यान विधि की कुछ विशेषताएं दी हैं, विशेषताएं आप देख सकते हैं यहाँ पे. अब देखिए, व्याख्यान विधि की कुछ विशेषताएं दी हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि संप्रेषण शिक्षण नीति, व्याख्यान कथन विवरण, प्रस्तुतिकरण पर जोर, यानी कि जो हम बता रहे हैं उस पर जोर दे के बताते हैं, कोई भी चीज़ें समझाने के लिए जोर देते हैं. तकनीकों एवं सहायक साधनों का उपयोग, यानी कि काफ़ी जैसे मैप वगैरह भी यूज़ करते हैं हम समझाने के लिए, काफ़ी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर. और केंद्रीय उद्देश्य, यानी कि इसके अंदर हमारा एक टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से. और शिक्षण सिद्धांत, इसके अंदर क्या सिद्धांत हो सकते हैं. देखिए, इसके अंदर बोले गए शब्दों की प्रभावशीलता, यानी कि हम जो बोल रहे हैं उसके अंदर एक लय, यानी कि एक प्रवाह होना चाहिए, सही तरह से प्रवाह होना चाहिए. उद्देश्य की प्राप्ति, यानी कि जो हम लेक्चर दे रहे हैं उससे हमारा गोल जो हमने डिसाइड किया वो प्राप्त होना ज़रूरी है. व्यक्तिगत संपर्क, और अच्छा शिक्षण क्या कब हो सकता है, जब हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें बच्चों को. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं. एक एक चीज़ मैं बताऊंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आज की ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है. और आगे दोस्तों, व्याख्यान विधि की कुछ सीमाएं हैं या फिर दोष हम कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं. ये देखिए, अधिगम का प्राकृतिक साधन नहीं है. सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अधिगम का ये प्राकृतिक साधन नहीं है. बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से नहीं सीखता, हम उसे जोर देके सिखाते हैं, उसे भाषण देते हैं और बहुत प्रयास करते हैं सिखाने का. ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की प्राकृतिक विधि नहीं है, प्राकृतिक साधन नहीं है, इस तरीके से आ सकता है. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें समझना ज़रूरी है. अगला क्या है कि ये शिक्षण केंद्रित है, यानी कि जो शिक्षक है, टीचर है, उसको वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, मेन शिक्षण का अधिक बोझ होता है इसके ऊपर. और
अकुशल शिक्षक, यानी कि अगर शिक्षक अकुशल होगा तो वो अच्छे से स्टडी नहीं करवा सकेगा। पाठ्य पुस्तक का विकल्प, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास पाठ्य पुस्तक का विकल्प नहीं होता। हमें क्या है कि टीचर को केवल सुनना है, उसकी तरफ देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तैयारी, तैयार सामग्री, इसके अंदर क्या है कि सामग्री को तैयार करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये कुछ ऐसी लिमिटेशन है दोस्तों, ये आप सभी पढ़ लेना इसके अंदर। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगला है दोस्तों हमारे पास व्याख्यान विधि, सॉरी व्याख्यान तो हमने कर लिया, प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन। तब देखिए इसके अंदर क्या होता है, विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों की स्क्रिय दोनों ही सक्रिय रहते हैं। शिक्षण सिद्धांतिक भाग, एक मिनट, शिक्षण सिद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ इस नीति द्वारा उसका सत्यापन करता है। यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, टीचर पढ़ा भी रहा है और उसे समझा भी रहा है, एक डेमो दे के समझा रहा है। जैसे कि अगर हम ये बताएं कि हमारे ग्लोब पे अमेरिका कहाँ पे है, जापान कहाँ पे है, तो और वो एक ग्लोब लेके आए और सभी को दिखाए भी, ये देखो यहाँ पे ये है यहाँ पे ये है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम दिखाएं। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे हम साइंस के अंदर लैब के अंदर जाके प्रयोग करते हैं, वो दिखाते हुए ये चीज़ इस तरीके से होती है, यानी कि उनका डेमो दे दे के हम दिखाते, तो वो क्या होती है, हमारी प्रदर्शन विधि होती है। और ये जो विधि होती है बहुत ही अच्छी विधि होती है, शिक्षण की बहुत अच्छी विधि होती है। और देखिए क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे से बच्चा सीखता है, उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है और बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाता है। इसकी विशेषताएँ हम देखते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त, यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कामयाब होगी। शिक्षण में कम समय लगना, यानी कि इससे क्या है कि जो चीज़ हम बोल के 1000 शब्दों में समझा सकते हैं, वो चीज़ हम फोटो दिखा के हम 5 सेकंड के अंदर समझा सकते हैं, ठीक है। स्वयं देख के सीखना, इससे क्या है कि टीचर खुद भी सीखता है। दृष्टि एवं ज्ञानेंद्रिया अधिक सक्रिय रहना, इससे क्या है कि हमारा जो बच्चे का जो माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता है। और इसमें निरीक्षण तर्क एवं विचार शक्ति का विकास, इसके अंदर वही है कि इसमें तर्क भी करेगा बच्चा कि ये क्यों होता है कैसे होता है और उस पर सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आप विशेषताएं पढ़ सकते हैं। और ये जो विधि है दोस्तों, ये विधि हमारी काफ़ी उपयुक्त विधि होती है शिक्षण के लिए, सबसे बेस्ट विधि इसे माना गया है। और इसमें कुछ दोष भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देखें विद्यार्थियों को संयम प्रयोग करने के अवसर नहीं मिलना। इसके अंदर क्या है कि जो टीचर है पहले खुद करके दिखाता है, उनको बच्चों को नहीं दिया जाता करने के लिए। ठीक प्रकार से प्रयोगों का निरीक्षण नहीं करना, ये कई बार प्रॉब्लम हो सकती है कि जो टीचर है वो अच्छे तरीके से निरीक्षण ना करे उस चीज़ का कि ये जो हम डेमो दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है, ये हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि होती ही होती है। शिक्षक द्वारा प्रयोग सफल नहीं होना, कई बार क्या होता कि जो टीचर कर रहा है वो सही तरीके से डेमो नहीं दिखा पाता, तो उससे क्या है कि बच्चे के दिमाग में एक नेगेटिव इफेक्ट भी जा सकता है। और मौलिकता एवं सृजनात्मकता नहीं होती। मौलिकता यानी कि हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए, हमें ज़िंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए, मॉरल एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो इसके अंदर बहुत कम मिलती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास समूह शिक्षण, यानी कि टीम टीचिंग किस तरीके से होती है, इसमें क्या क्या होता है। समूह शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही समय में बच्चों को ज्ञान देते हैं, ठीक है। और इसमें हो सकता है एक शैक्षिक सिद्धांत बातों का जिक्र करे तो दूसरा शिक्षक बच्चों को व्यवहारिक रूप से समझाए। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हो सकता है कि क्लास के अंदर 3 टीचर हो, ठीक है, 3 टीचर हो सकते हैं। एक टीचर क्या है कि एक टीचर थियोरेटिकल पढ़ा रहा है,
दूसरा टीचर क्या है कि उसका डेमो दे रहा है, और तीसरा टीचर हो सकता है ये बताए कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा शिक्षक मिल के, टीचर मिल के बच्चों को पढ़ाते हैं और एक ही टाइम पे पढ़ाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, टीम टीचिंग कहते हैं। और इसके लाभ क्या होते हैं, इस विधि में बच्चों द्वारा सबसे अधिक विषयों को साझा किया जाता है, यानी कि इसमें कई विषय आ सकते हैं, कई विषय भी आ सकते हैं एक साथ। इसमें काफ़ी तरह के उपकरण और शिक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि इसके जरिए शिक्षण में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। और इसकी हानियाँ क्या है, इसमें अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी टीम टीचिंग करेंगे तो ज़्यादा टीचर हमें ज़रूरत पड़ेंगे। इसमें यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने में उपयोगी नहीं है, ठीक है। हो सकता हम कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें टीम टीचिंग कर सकते, लेकिन कईयों में हर किसी में हम नहीं कर सकते। इस विधि में विशेष ज्ञान वाले शिक्षक की आवश्यकता होती है। देखिए, जब हम टीम टीचिंग करेंगे तो हमारे लिए ये होना चाहिए कि जो टीचर हम बुला रहे हैं उनको बहुत अच्छी नॉलेज हो। इस विधि में योजना निर्माण और निर्धारण में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। इसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा टीचर क्या बात बताएगा, उसके बाद क्या बात बतानी है, यानी कि काफ़ी मैनेजमेंट लगती है इसके अंदर। अब आता है दोस्तों हमारे पास सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग। अब देखिए, माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि है। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक लाभान्वित करने का तरीका है। इसमें अध्ययन की एक इकाई और एक कौशल का प्रयोग कर, देखिए मैं आपको आसानी से समझाता हूँ, आप हिंदी पढ़ लेना बाद। इसमें क्या होता है कि हम एक छोटे लेवल पे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर एक छोटा ग्रुप हो जो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ सके, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम कुछ इसकी चीज़ें देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे और एक एक बच्चे पे ध्यान देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म शिक्षण कहेंगे। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के एक छोटे समूह को पढ़ाता है जब। अब देखिए, इसमें उद्देश्य क्या होता है, एक टीचर प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाता है। एक टीचर प्रशिक्षु को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाता है। अब देखिए, प्रशिक्षु होता है जो बच्चा होता है, जो सीख रहा होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब हमारा ग्रुप छोटा होगा, सूक्ष्म शिक्षण करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी स्किल है, बच्चे की स्किल वो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ है दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। वो पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा शिक्षण है जिसके अंदर बच्चे की शिक्षण कौशल को बढ़ावा दिया जाता है, तो वो होगा हमारा सूक्ष्म शिक्षण होगा। इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं पहले, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ये साइकिल, माइक्रो टीचिंग साइकिल किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले पाठ योजना, लेसन प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उसकी टीचिंग की जाती है, उसके बाद फीडबैक लिया जाता है बच्चों से, और फिर दोबारा क्या, फीडबैक लेने के बाद दोबारा फिर लेसन पढ़ाया जाता है, री लेसन प्लानिंग, दोबारा से प्लानिंग की जाती है, फिर री टीचिंग, जो हमने दोबारा प्लान बनाया उसको दोबारा पढ़ाते हैं और फिर दोबारा से फीडबैक लेते हैं। तो ये हमारा माइक्रो टीचिंग साइकिल होता है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती है ये हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए, इसमें क्या है कि इसमें जो सीखने वाले हैं उनकी संख्या 5 से 10 के बीच हो सकती है। इनकी अवधि है वो भी कम ही होगी दोस्तों, 5 से 10 मिनट के बीच में इसकी रखी जाएगी। वास्तविक छात्रों की जगह अधिकांश सहपाठियों की छात्र की भूमिका अभिनीत करती है। इसमें और भी काफ़ी तरह की बातें लिखी गई है दोस्तों, आप पढ़ लेना इनको, क्योंकि वही है कि अगर मैं एक एक बात बताने लगा दोस्तों तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। अब देखिए, आगे आता है हमारे पास समीक्षा विधि, यानी कि चर्चा विधि, जिसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं। समूह शिक्षण, व्याख्यान विधि, इन सभी अवलोकन करने को समीक्षा विधि कहा जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ाया, किस तरीके से होना चाहिए, और किसी भी विषय के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीक्षा विधि। हम देखते हैं कि क्या कमी रही है और क्या अच्छी बातें रही हैं किसी भी
टॉपिक के अंदर। अगला आता है हमारा प्रश्नोत्तरी विधि। इस विधि को सुकरात विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विशेष रूप से तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है, प्रश्न निर्माण, प्रस्तुतिकरण, बच्चों द्वारा ही नवीन ज्ञान देना। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी बच्चे से तो उसे हम कहते हैं प्रश्नोत्तरी विधि। और इसके अंदर क्या है कि बच्चों द्वारा ही ज्ञान देना इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ध्यान देना इस बात पे। हम प्रश्न पूछते हैं और बच्चा हमें उत्तर देता है, ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा हमें ज्ञान दे रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये प्रश्न में पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है इसमें उद्देश्य भी देख सकते हैं, पूर्व ज्ञान को जांच रहा, हमने जो पढ़ाया हम देखें प्रश्न पूछ के कि बच्चों ने कितना क्या कुछ सीखा है, अभी प्रेरणा जागृत करना यानी कि उनको आगे बोलने के लिए प्रेरित करना ये हम कह सकते हैं, कठिनाई जानना हमें ये पता करना कि बच्चों को कितनी क्या कठिनाई आ रही है, ज्ञान का प्रयोग करना, तो काफ़ी तरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, आप देख लेना। उसके बाद है दोस्तों, अब देखिए, अब है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन मेथड, हमने पहले किया था डिस्कशन मेथड यानी कि समीक्षा विधि की थी, अब है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, काफ़ी एक ग्रुप बना लिया जाता है बच्चों का, 10 से 12 बच्चों का ग्रुप बना लिया जाता है और उसके अंदर हम उनको कहते हैं कि आप बात कीजिए, आप करके देखिए कि कोई भी समस्या है उस पर डिस्कशन करके देखिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। और इसके अंदर दो टीम भी हो सकती है, जैसे 5-5 लोगों की होगी, वो एक दूसरे के साथ डिबेट करें, ठीक है, तो इस तरीके से हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। देखिए टाइप इसने यहाँ पे दिए कि डिबेट हो सकते हैं, सिंपोजियम हो सकता है, पैनल डिस्कशन होता है हो सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है। अभी देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं, तो काफ़ी तरह से हो सकती है जो ग्रुप डिस्कशन है वो हमारी। मेरिट ऑफ ग्रुप डिस्कशन यानी कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, स्पष्टीकरण, इससे क्या है कि कोई भी जो विषय है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि 5 से 10 जो बच्चे होते हैं वो बता देते हैं इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये अच्छाई है, तो वो क्या है कि स्पष्ट हो जाता है, चिंतन विकास, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो विकसित हो जाती है, अज्ञात की खोज, जो चीज़ हमें अभी तक नहीं पता है वो हमें पता चल जाती है, ज्ञान एवं चिंतन का विकास, हमारे ज्ञान और सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है, यही बात मैंने आपको ऊपर भी बता दी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इसमें से आपको PDF दे दी जाएगी। दोष और सीमाएं इसके अंदर हो सकती है, सभी इकाइयों के अनुकूल नहीं है यानी कि सभी विषय पर हम इसको लागू नहीं कर सकते। भटकने के अवसर, ये बिल्कुल सही है, हो सकता है कि हमारे जब डिस्कशन चल रही है तो कोई और बात निकल के आ जाए, कोई धार्मिक आ जाए, कोई राजनीतिक बात आ जाए, तो हम क्या कि विषय से भटक सकते हैं। इसके अंदर एकाधिकरण यानी कि इसके अंदर एक विषय पे हम फोकस करके नहीं चल सकते, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर। गुटबंदी भी हो सकती है इसके अंदर, देखिए हम किसी चीज़ को जो हमें लगता है ये सही है तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या है कि हम गलत चीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना कि ईगो, अपनी ईगो रखने के लिए हम गलत चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए इसको सबसे पहले किसने विकसित किया था, एस बॉर्न ने 1963 के अंदर विकसित किया था। इसको सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है, यह एक रचनात्मक समूह कार्य है, इसमें समूह के सदस्य किसी समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसमें बच्चों के सामने एक समस्या होती है जिस पर सभी बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, इस दौरान उनमें वाद विवाद भी हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों के सामने एक समस्या दे दी जाती है और उस समस्या पर जो बच्चे हैं वो अपने अपने विचार विमर्श रखते हैं, डिस्कशन करते हैं और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और बच्चों को क्या है कि एक रैपिडली यानी कि जल्दी जल्दी बोलने के लिए बोला जाता है कि आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी कि एक बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जाता है ताकि किसी भी समस्या का समाधान है वो बच्चे खोज के निकाले, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं, जिसके अंदर बच्चों के सामने एक समस्या रखी जाती है और बच्चे ही उस समस्या का समाधान करते हैं जल्द से जल्द,
ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और इसके अंदर क्या होता है कि शिक्षक सभी सभी के पॉइंट्स को किसी बोर्ड या कागज़ पर लिखता है, सभी लोगों की समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। अब देखिए, जैसे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों ने क्या क्या पॉइंट बताए वो सभी उनके सामने लिखता है बोर्ड के ऊपर, भाई इसने ये बताया, इसने ये बताया, और उसके बाद एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। अब देखिए इसके क्या क्या चरण हो सकते हैं ये देख सकते हैं हम। समस्या का नियोजन, समस्या का उपचुनाव, समस्या के संबंध में योजना है दोस्तों, ये गलत हो गया, साधनों का चयन, आंकड़ों का एकत्रीकरण, ठीक है, काफ़ी तरह की बातें इसके अंदर हो सकती है, आप ये पढ़ लेना। उसके बाद है दोस्तों लाभ, हम देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं। ध्यान उत्तेजित करना यानी कि अटेंशन लेके आना, ठीक है, अभिरुचि का विकास, इंटरेस्ट विकसित करना उनके अंदर, कल्पना का विकास, सोचने जो वही है कि सोचने की जो शक्ति है वो विकसित करना, विचारों का विकास, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे आती है हमारे पास व्यक्तिगत शिक्षण विधि यानी कि इंडिविजुअल टीचिंग मेथड। इसके अंदर देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि टीचर जो है स्पेशल एक एक बच्चे पे ध्यान देता है, अलग अलग बच्चे पे ध्यान देता है। हम कह सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड कहते हैं। उसके अंदर एक बच्चा होता है और एक ही बच्चे पे जो टीचर है वो फोकस करता है। ये हो सकता है स्कूल के अंदर भी हो सकता हो, मान के चले कि किसी बच्चे को अच्छे से समझ में ना आया हो और टीचर कह दे भाई आधी छुट्टी हो, जब रिसेस हो तब आप आ जाना, मैं आपको समझा दूंगा। तो यानी कि अलग से व्यक्तिगत रूप से समझाना उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ यहाँ पे विशेषताएं दी है ये आप पढ़ लेना दोस्तों, और यहाँ पे कुछ दोष भी दिए वो भी आप पढ़ लेना। और उसके बाद है दोस्तों स्वतंत्र अध्ययन नीति यानी कि ओपन लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोजेक्ट वर्क, विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में कार्य करना, स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करना, व्यक्तिगत गुणों का विकास, यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है ओपन लर्निंग, यानी कि इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से रह के काम करता है। उसे बस टीचर ही बता देता भी तेरे को ये पढ़ना है, उसके बाद बच्चा अपने तरीके से बुक पढ़ता है, अपने तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखता है, यानी कि हर काम अपने तरीके से करता है। टीचर उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से करता है। और इसके अंदर भी कई तरह की बातें हैं, जैसे समझ विकसित होना, आदत विकसित करना, यानी कि जब बच्चा, देखिए बच्चा जब खुद करने लगेगा 2-4 बार तो उसे खुद आदत पड़ जाएगी अच्छे से पढ़ने की, और जो बच्चा ऐसा कर लेगा उसकी टीचिंग बहुत अच्छी होगी अपने आप में, क्योंकि जो बच्चा खुद समझदार हो खुद खुद पढ़ने के लिए तो उसे फिर टीचर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वो अच्छे से पढ़ सकता है, ठीक है। देखिए आगे है दोस्तों हमारे पास हुरिस्टिक शिक्षण, हुरिस्टिक मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये मेथड भी काफ़ी बार क्वेश्चन में आया है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या करते हैं कि बच्चा अपने आप खोजबीन करके सीखता है। इस शिक्षण में अध्यापक की सहायता और परामर्श की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही समस्या का समाधान निकालता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों की समस्या के लिए प्रश्न दे देता है और वहाँ से हट जाता है जब बच्चा उसको हल खोजते हैं। अब देखिए इसके अंदर वही बात है, मैंने थोड़ी सी पहले भी बताई थी कि इसके अंदर क्या है कि बच्चों को समस्या दे दी जाती है और समस्या देने के बाद टीचर है वो वहाँ से चला जाता है और बच्चे खुद उसका हल खोजने की कोशिश करते हैं, खुद तरीके लगाते हैं कि किस तरीके से ये हो सकती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप एक बार देख लेना, इंग्लिश हिंदी में हमने यहाँ पे दिया है। और आगे बात आती है दोस्तों, हमारे पास दो और टीचिंग मेथड रह जाते हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब देखिए इंडक्टिव यानी कि आगमन विधि के अंदर हम देखते हैं क्या होता है। आगमन विधि में हम पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं, ठीक है, बच्चे को पहले हम उदाहरण देते हैं, बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण अच्छी तरह से समझाया जाता है, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण दे के फिर कोई दूसरी चीज़ समझाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं, ठीक है। यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, प्राथमिक स्तर पर ही सबसे अच्छी विधि है। ये देखिए ये सबसे अच्छी विधि भी मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर बच्चे को पहले आराम आराम से उदाहरण दिया जाता है, ये चीज़ ऐसे होती है तो उसके बाद कोई नई चीज़ सिखाई जाती है।
और आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास निगमन विधि, इस डिडक्टिव मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इस विधि में पहले नियम बताया जाता है, ठीक है। ये आगमन विधि की उल्टी है, इसके अंदर पहले नियम बताया जाता है, बच्चा नियमों को आत्मसात करके तेजी से सीख लेता है, यानी कि नियम है नियम को सीख लेता है और उसके बाद में कोई नई चीज़ सीखने का प्रयास करता है। और गणित और व्याकरण में यह विधि सबसे ज़्यादा सफल होती है। अब देखिए, जब मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें नियम यानी कि फॉर्मूला बताया जाता है, भी ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से होगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला बताया जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, यह विधि उच्चतर स्तर पर अपनाई जाती है, ठीक है। तो ये होती हमारी निगमन विधि होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए।